अब अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप एक लोकेशन पे जाते हो या कहीं भी आप जब फोटोज लेने जाते हो, तो एक टाइम के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, आपको आइडियाज नहीं आते हैं, या मे बी आपको लगता है कि आप बहुत सिंपल फोटोज निकाल रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो पिछले कुछ सालों में जब से मैं मोबाइल फोटोग्राफी यूज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता एक लोकेशन पे, मैं ये दो टेक्निक्स पे रिलाई करता हूँ और मैं कुछ अमेजिंग इमेजेस निकाल पाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे या कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर दिया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज 50% से भी कम लोग आप जो वीडियोस देखते हो आप सब्सक्राइब नहीं करते इस चैनल को, सो यू कैन सब्सक्राइब एंड बी अ रेगुलर व्यूअर। सो स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक के साथ जो है शैडो एंड पैटर्न्स। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इमेजेस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली भी आइडिया लगते रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो अभी कुछ दिन पहले ही मैं हुमायूं टूम गया था कुछ फोटोज लेने के लिए मोबाइल से, और अब ये वाली फोटो देखो, इसका मैं बिहाइंड द सीन भी आपको दिखाऊंगा। अब जब मैं वहाँ पे फोटोज ले रहा था, मुझे बहुत अच्छा पैटर्न दिखा जो नीचे फ्लोर पे बन रहा था, जिसकी शैडो आ रही थी। अब वो शैडो का जो पैटर्न है उसको आप कैसे यूनिक बना सकते हो, उसका ये एग्जांपल है। मैंने क्या किया, मैं उस पैटर्न के एकदम सेंटर में जाके खड़ा हो गया और मैंने अपने सीन को सिमेट्रिकल बनाने का ट्राई करा। तो जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो वो उसी का एंड रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास शैडोज ढूंढनी है। अब शैडोज आपको कम मिलेंगी, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब सन थोड़ा ऊपर होता है, एक एंगल पे होता है, उस हिसाब से जो लाइट है वो शैडो क्रिएट करती है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप ये वाला देखो, ये मैंने मोबाइल से 3x जूम करके लिया था, बट आप पैटर्न्स देख रहे हो, शैडो और पैटर्न्स कितने अमेजिंग बन रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, मैं दोपहर के टाइम शूट कर रहा था और जो पेड़ हैं जो आपको लाइन से दिख रहे हैं उनकी जो शैडो बन रही है वो कितनी अमेजिंग लग रही है। तो आपको कुछ डिफरेंट नहीं सोचना, चीज़ें और फोटोज़ आपके सामने हो रही होती हैं, आपको एज अ फोटोग्राफर क्या करना है, आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन बनानी है। तो शैडोज़ आप जब आसपास ढूंढोगे आपको अमेजिंग फ्रेम्स अपने आप मिल जाएंगे। एक और आप ये फोटो देखो, अगेन मैं एक स्मार्टफोन रिव्यू कर रहा था और मुझे बहुत अमेजिंग शैडोज़ मिली, ये 4 बजे के आसपास थी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को पोजीशन करा, ये वाली फोटो देखो, ये बिफोर है। उसके बाद मैंने वेट करा, मैंने सोचा कुछ एक्शन होगा, वहाँ से एक बच्चा भागता हुआ आ रहा था और तब मुझे ये फोटो मिली। अब इसका भी क्या मेन पर्पस है, शैडो, शैडो की वजह से इमेज पावरफुल बनी है। अब एक और इमेज मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ। अब ये इमेज रात के टाइम की है, लो लाइट सिचुएशन है। ये क्या था, एक मोबाइल लॉन्च इवेंट था 2-2.5 साल पहले जब कोविड नहीं था। तो उस टाइम पे क्या था, सब खाना खा रहे थे, सब बिजी थे एंड मैं एज अ फोटोग्राफर अपना दिमाग चला रहा था, फोटो ढूंढ रहा था और तब जाके मुझे फोटो मिली जहाँ पे एक जो कुक थे जो बना रहे थे रोटी वगैरह सेक रहे थे, उनकी जो शैडो बन रही है वो एक टेबल पे थी। और अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट साइड में एक ऐसा लग रहा है कि फेस बन रहा है वहाँ पे, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने वो इमेज खींच ली। और लास्ट में मैं आपको एक दो और इमेजेस दिखाता हूँ। ये वाली आप इमेज जो देखोगे, 2-3 इमेजेस, ये सब शैडो को यूज़ करके बनाई गई हैं। तो अगर आप दोपहर के टाइम कहीं बाहर शूट कर रहे हो या सनराइज़ हो चुका है, सनसेट होने वाला है, उस टाइम पर ये आप टेक्निक यूज़ करो और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर कर देना, ये मेरा हैंडल है एंड आई वुड लव टू सी योर वर्क। अब दूसरी टेक्निक है रिफ्लेक्शन। अब आपको सुनने में लगेगा कि यार ये तो हमें पता है, इसमें नई चीज़ क्या है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, रिफ्लेक्शन आपको दो तरह से मिल सकती है। पहली है नेचुरल रिफ्लेक्शन, जैसे आप ये वाली फोटो देखोगे। अब वहाँ पे उस दिन बारिश हुई थी और वहाँ पे एक वाटर बॉडी भी थी जहाँ पे हल्का सा पानी था एक फाउंटेन में, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन मिला शाम के टाइम में, तो मैंने फोटो कैप्चर कर ली। तो अगर आपको नेचुरल रिफ्लेक्शन मिलती है, आपको गाड़ी पे या शीशे पे कहीं भी ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्टिव है वहां पे आप वो चीजें ढूंढ सकते हो, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी और आप ऐसे कुछ इमेजेस निकाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, और जो मेरी फेवरेट है, वो है नकली रिफ्लेक्शन क्रिएट करना। अब आप वो कैसे कर सकते हो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर करा आपके साथ कि अगर आप 2 मोबाइल कैरी कर रहे हो तो आप इस तरह से दूसरे मोबाइल को अपने फ़ोन के आगे रख के इस बेसिकली ये जो आपका कैनवस है ना मोबाइल का, ये एज अ रिफ्लेक्टिव मीडियम बन जाता है। तो इससे आप रिफ्लेक्शन कैच कर सकते हो और कुछ ऐसी इमेजेस निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके पास मोबाइल नहीं भी है तो आप कोई शीशा या कुछ ऐसे रिफ्लेक्टिव सर्फेस कैरी कर सकते हो जिसके थ्रू आपको नकली रिफ्लेक्शन मिल सकती है। और आप कुछ मतलब, और हो सकता है कि आपके दोस्त से पूछें कि क्या ये फोटोशॉप है। तो ये दो ऐसी टेक्निक हैं जो मैं पिछले काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और जब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं इन दोनों पर रिलाई करता हूँ। सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे मुझे कमेंट करके अपने व्यू ज़रूर बताना, और कुछ वीडियो के आइडियाज़ हैं वो भी कमेंट कर देना, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ हर दूसरे तीसरे दिन आपके साथ इंटरेस्टिंग वीडियो लाई जाए ताकि आप बहुत अमेजिंग इमेजेस निकाल सको अपने स्मार्टफोन कैमरा से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।